गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू श्री बी एल मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं? और जो वीडियोस हम लोग भेज रहे हैं वो अच्छे डेली जो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं सब? आपको क्या करना है, जो भी वीडियोस दी जा रही है वो अच्छे से आपको देखनी है, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क में करना है, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9, पेज नंबर है हमारा 43, ठीक है? और पाठ का नाम क्या है हमारा? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, यानी हमारा तिरंगा झंडा, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि इसमें तिरंगे की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अब देखिए, इसमें यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ अध्यापक से, ठीक है ना? ये जो हमारा अध्यापक है, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ये अध्यापक। इसमें लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों बताओ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं। अध्यापक ने पूछा बच्चों से कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं, तो सभी बच्चे बोले तिरंगा झंडा। अध्यापक, बिल्कुल ठीक, आज हम इसी तिरंगे झंडे के बारे में चर्चा करेंगे। क्या, किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम तिरंगे झंडे के बारे में। कनिका, गुरुजी इसे तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है? कनिका ने पूछा गुरुजी से, टीचर से पूछा कि इसको तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है। अध्यापक बोले, इसे तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, तुम देखते हो कि इस झंडे में तीन रंग की पट्टियां हैं, ये तीनों पट्टियां हमें अलग अलग बातों का ज्ञान कराती है। तो अध्यापक ने क्या बोला, हमारे झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन रंग की पट्टियां हैं, है ना? कौन कौन सी है ये देखो, ये है हमारी केसरिया, ये सफेद और ये हरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तिरंगा, ठीक है। अब शोएब क्या बोलता है? जी हाँ, इसमें सबसे ऊपर केसरा रंग की पट्टी दिखाई दे रही है ना? अध्यापक ने बोला कि इसमें तीन रंग होते हैं और ये तीनों पट्टियाँ हमें अलग अलग जो है बातों का ज्ञान कराती है। तो शोएब ने बोला कि जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, जैसे ये वाली पट्टी, वो कौन से कलर की है? केसरिया कलर की। अब देखिए आप पेज नंबर 44 पेज नंबर निकालिए आप, ठीक है? उसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ शिखा से, ठीक है? गुरुजी, यह केसरे रंग की पट्टी क्या बताती है? अब वह शिखा पूछ रही है कि गुरुजी, केसरे रंग की पट्टी क्या बताती है? तो अध्यापक बोलते हैं, बच्चों केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। केसरे रंग किसका प्रतीक है? वीरता और बलिदान का। पुराने समय में वीर सैनिक केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते थे। तो जो पुराने समय में, पहले भी युद्ध होते थे, युद्ध तो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं, तो पुराने समय में जो भी वीर सैनिक थे वह क्या करते थे? जब युद्ध करने जाते थे तो वह केसरे रंग के वस्त्र पहनते थे। मौसी, इस झंडे के बीच में दो सफ़ेद रंग की पट्टी है, यह क्या दर्शाती है? जो सफ़ेद रंग की पट्टी है, मौसी बोलता है कि इसके बीच में क्या है, झंडे के बीच में सफ़ेद कलर की पट्टी है, वह क्या दर्शाती है? तो अध्यापक बोलते हैं, बच्चों सफ़ेद रंग सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। हमारा देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। अध्यापक क्या बोलते हैं कि जो सफ़ेद रंग की जो पट्टी है वह क्या बताती है? सच्चाई और पवित्रता और शांति का दर्शाती है, क्योंकि हमारा देश जो क्या है वह सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। हमारे देश में क्या क्या कहा जाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें अहिंसा यानी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए और शांति रखनी चाहिए। मोनू, गुरुजी इस सफ़ेद रंग की पट्टी पर कुछ और भी बना हुआ है, यह क्या है? अध्यापक, बच्चों सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है, इसे वाराणसी के पास सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, ये तीलियां 24 घंटे आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। तो अध्यापक क्या बोलते हैं, जो सफ़ेद पट्टी के बीच में जो नीले रंग का चक्र है वह कहाँ से लिया हुआ है? वह वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ से लिया गया। इस चक्र में कितनी पट्टियाँ हैं? 24 और कौन से कलर की है? वह नीले कलर की, जो हमें क्या कहती है? वह हमें यह कहती है कि हमें 24 घंटे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। कनिका, गुरुजी अब हमें सबसे नीचे की हरी पट्टी के बारे में बताइए। अध्यापक, बच्चों हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। अधिक अन्न उगाकर हम अपने देश के लोगों को भूख मिटा सकते हैं। यदि हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहेगा, है ना? अध्यापक क्या बोलते हैं कि जो हरा रंग है वह हमें क्या बताता है? हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, यानी हम क्या करते हैं, हमारा जो देश है वह क्या, कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में कृषि
होती है, यानी हम लोग क्या करते हैं, खेत उगाते हैं। किसान क्या करता है, खेतों में काम करके हमको अन्न देता है। तो हमारा क्या है कि जो हमारे देश के लोग हैं उनकी भूल को मिटा सकते हैं, और यदि हमारी धरती हरी भरी रहेगी तो प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहेगा। बच्चों, राष्ट्रध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो हम राष्ट्रध्वज जब फहराते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए। फर्स्ट नंबर पर इसकी केसर रंग की पट्टी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। दूसरा नंबर देखिए, जब कोई अन्य झंडे फहरा रहे हों तब राष्ट्रध्वज को सबसे ऊपर रखना चाहिए। फिर देखिए, इसे कभी भी फटी अथवा गंदी अवस्था में नहीं फहराना चाहिए। फिर देखिए, फोर्थ नंबर, संध्या के समय इसे उतार लेना चाहिए। फिर है फाइव नंबर, हमें राष्ट्रीय झंडे को सदा सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हमारा पूरा क्या दिया है, इसमें पूरे हमारे तिरंगे झंडे के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो जो केसरे रंग है वो हमको क्या बताता है, वीरता और बलिदान के बारे में, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग की पट्टी हमारी शांति, अहिंसा और सत्य का प्रतीक है। और जो ग्रीन पट्टी है वह हमारी क्या है, हरियाली का प्रतीक है, कि हम लोगों को हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हमें यह बताती है कि हमें हमेशा अपने देश को क्या रखना है, हरियाली हरियाला ही रखना है। तो ये जो चैप्टर है वह आपका यहीं खत्म होता है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या दिया गया है, और पढ़ के समझना है ना, पढ़ने भी आना चाहिए आपको, पूरा चैप्टर रीड करना है। और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।